गुरदासपुर के पिंड बब्बेहाली में ईटां के एक भट्ठे ते असमानी बिजली डिगन के नाल भट्ठे का काफ़ी नुकसान होया। उधर भट्ठे ते ही रह रही एक औरत सने तीन मजदूर जख्मी हो गए, जिन्होंने इलाज लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर में दाखिल करवाया गया। भट्ठे ते काम करने वाले लोगों ने दसाया कि बिजली डिगन के कारण ईटां के भट्ठे की चिमनी पूरी तरह टुट चुकी है, तो दूजा बिजली के उपकरण भी खराब हो गए हैं, जिस कारण लखां का नुकसान होया। हालत तो ठीक है, इन्हों उपर आसमानी बिजली करंग ढिड से छाती ते सज्जे पट ते जख्म हुए ने, बहुता जे जख्म ने बहुते डूंगे नहीं ने, ठीक है, उन्हें इलाज चल रहा है। बिजली गिरी थी चिमनी के ऊपर, वहाँ से बम आया था हमारे सबके ऊपर, गिर गया था सर, दो आदमी घायल हो गए थे, बेहोश हो गए थे, फिर वहाँ से बाबूजी को बुलाया, वहाँ से लेके आया गाड़ी पर से, यहाँ हमारे सबको भर्ती किया सर। बम की जैसी आवाज़ आई और उसके बाद उसमें से लाइट निकला और उसके बाद फिर दगा, वो हम बारूद जैसे आके पुल हमारे एक उसके छोटा भाई के जल गया है, पूरा काला पड़ गया और हम भी हमारे भी लग गया था, गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश हुई तो फिर इसको उठा के ले गया मंजी के ऊपर, उसके बाद फिर फोन किया बाबू को, आया फिर लेके यहाँ अस्पताल में। खबरों की दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आप मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।